शासकीय दाऊ कल्याणी स्नानकोत्तर महाविद्यालय बलोदा बाजार में 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया गया। देश की आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। महिला समूह के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रही। स्कूल के विद्यार्थियों ने कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बलोदा बाजार जिले में आज आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव का दिवस मनाया गया, जिसमें वीर सपूतों के द्वारा जो बलिदान देकर और अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कर संविधान दिवस के दूसरे दिन भारत की आजादी के रूप में अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ। जो ये वर्ष 75 वर्ष था, जिसमें सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार एवं सांस्कृतिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन की आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ, जिनमें महिला समूह के द्वारा अलग अलग प्रकार की बनाई हुई कलाकृति, व्यंजन या कई प्रकार के शौहर समान दिखने वाली विशेष सामग्री थी, जिनका प्रतियोगिता में प्रदर्शन हुआ। महिला समूह ने पलारी, कट्स, डोल, बलोदा बाजार, भटापार, सिमगा से आकर अपने कार्य कुशलता का परिचय दिया और सलाद से भारत के नक्शे को का बनाना, भारत का माता का रूप जैसे देना जैसे अनगिनत कई प्रकार के कलाकृति को दिखाया। और साथ ही स्कूल के बच्चों का प्रदर्शन भी अलौकिक रहा, जिसमें बच्चों ने वीर शहीद महान पुरुषों के आदर्शों पर चलने के नियम एवं उनके बलिदान की गाथा को अपने नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किए। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव का दिवस में कार्यक्रम की शुरुआत अर्पा तावरी के धार राजगीत से हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शोलेन नितिन त्रिवेदी, कृष्ण कल्याण बोर्ड के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हितेंद्र कांत ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य परमेश्वर जद्दू, बलादा बाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन तथा जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर फरीहा आलम विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में शौलेन नितिन त्रिवेदी तथा सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि भारत पहले बहुत पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन आज सभी शिक्षा, खेल, वैज्ञानिकी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी मायनों में बहुत आगे हो गया है और विकसित देश से विकासशील देश की ओर प्रगति कर लिया है। लेकिन आज हम उन वीर शहीद सपूतों से वजह से हैं, जिनके कारण हम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ और भारत स्वतंत्र राष्ट्र बनकर फिर हर नीति पर विचार करते हुए संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हुआ तत्पश्चात अमृत महोत्सव का दिवस भी आया, जिन्हें आज हम 75 वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस दिवस को हम प्रत्येक वर्ष मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे, जो उन्हें वीर शहीद पुरुषों की देन है। आजादी में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने जो कुर्बानी दी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की नीति के खिलाफ कांग्रेस के तिरंगे झंडे के तले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। आज हम सब आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं और इसके लगातार श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम चल रहे हैं, इन्हीं कार्यक्रमों में हम लोग आज सम्मिलित हुए। महोत्सव मनाया जा रहा है कैसे? देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज अमृत महोत्सव का आयोजन बलोदा जिले में किया गया और ये हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है और हम इस बात को याद करते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब ये देश आज़ादी आई है और भारत के संविधान अक्षुण रहे, इस देश की आज़ादी अक्षुण रहे और ये देश निरंतर अग्रसर हो, हम सब मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाएं, इसी संकल्प के साधने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से संचालित हो रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज में वादविवाद प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, महिला समूह के द्वारा सलाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अनुसंधान में आज एक कार्यक्रम जो है महिला समूह के द्वारा संचालित किया गया और हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को देश के लोगों को आज़ादी की भावना के मन में जागृत बनी रहे, हमारे इतिहास को एकदम सही तरीके से समझे और हमारी आज़ादी के लोगों ने बलिदान दिया है, इन भावनाओं को समझ करके नए राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़े।